मुझे जो लग रहा है ना भाई, गाड़ी में से ना फ्यूल चोरी हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले इसको टैंक फुल कराया था और उसके बाद ये गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं। उसके बाद भाई इतना ऐसे कैसे चल सकता है यार, इतना फ्यूल टैंक फुल कराने के बाद भी अगर इस तरीके से अगर वो हो जाए तो बात ही अलग है। मुझे लग रहा है गाड़ी में से तेल चोरी हुआ है, तेल चोरी हुआ है बुलेट में से। हाँ, ऊपर ही किसी ने चोरी किया। कितने दिनों से अपने चलाई कहाँ है भाई बुलेट, और आज अभी रिजर्व में लग गई ये गाड़ी, नहीं तो लगनी नहीं चाहिए थी। इसके अंदर 12 लीटर में फुल टैंक फुल करा के रखा हुआ था और उसमें हार्डली 200 किलोमीटर चली होगी ये गाड़ी। हाँ मुझे भी लग रहा है, अब से नीचे रखूँगा मैं अपनी पार्किंग। अभी तक तो कॉमन पार्किंग, यहाँ कॉमन है सारी की सारी पार्किंग। नहीं बटो कोई आता तो कोई भी देख सकता है ना, तो ऐसे निकाला जाता है। ये तो खुले में है यार, लेकिन लोग करने वाले कुछ भी कर लेते हैं यार। अरे कांड हो गया यार, भारी नुकसान है आजकल के, तेल चोरी होना ना बहुत बड़ा नुकसान है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फाइनली भैया हम आ गए हैं बाहर राजा पार्क की गलियों में, और राजा पार्क की गलियों में आज हम ट्राई कर रहे हैं पोहा, स्ट्रीट फूड। भाई देख लो, भाई ने बहुत सही चीज वगैरह सब डाला हुआ है, भाई ना बड़ी शिद्दत से बनाता है। ये 20 रुपए की प्लेट है, लेकिन भाई बहुत शानदार है और मजा आ गया है। टेस्ट भी ऑल गुड यार। भाई अच्छा खासा नाश्ता हो गया, और ये फ्रेम में जो आ रहा है ना बड़ा मस्त लग रहा है ये। इसको अगर फ्रेम में आता है तो भाई बहुत ऐसे ना, पर बेसिकली इसको ड्रीम कैचर बोलते हैं। अब कौन से ड्रीम कैच किए इसने मुझे तो पता नहीं, अभी तक मेरे सपने अधूरे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब कोई अच्छा सा ड्रीम कैचर करे मेरा वाला, और मैं आराम से मस्त उसको पूरा हो जाए तो फिर खुशी के मारे बस मौज मस्ती में चला जाए अपना जीवन। हट जाओ यार, क्रॉस कर लें तो रोड, क्या चाहिए भैया। भाई बहुत ट्रैफिक है यार सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक। आज हम लेके जा रहे हैं भाई फुल प्रिकॉशन के साथ, भैया पूरा कवर करके यार, इसको गोदी में लेके। नहीं नहीं वो चलता तो है नहीं वो। रख लो जूते, रख लो फिर भी। तो भाई इसको आज फिलहाल इसमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि यार इसको गोदी में लेके जाना है थोड़ा सा हम लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह। जूते ले चलो जूते। तो आज फाइनली इसको पूरा, आज मेरा था कि भाई कि इसको पूरा लेके जाएंगे, इसी वजह से इसी के अंदर घूमी घूमी कराएंगे, पूरा सर्कल लगाएंगे और हम इसको खिलाते हुए लेके जाएंगे, ये एंजॉय करेगा। लेट्स गो बेबी। ओके सो फाइनली अब क्या करने वाले हैं भैया, देखो मैं स्टॉप वॉच चालू करने वाला हूँ। ये हमारी सर्कल है, 1.5 किलोमीटर का सर्कल है, इसे हमें कंप्लीट करना है। अगर हम इसे कंप्लीट कर पाए, सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई कि इसको कितनी देर में हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए टाइमर है, तुम यहीं रहोगे यानी तुम चक्कर लगाओगे, मैं तुम लोगों को कितनी देर में कैप्चर करता हूँ वो देखा जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइम है 7 मिनट, बट इस 7 मिनट में टोटल वो है बिल्कुल, रनिंग पूरी नहीं है, क्योंकि आधी दूरी में जाने के भाई रनिंग की बैंड बज गई, यानी कह सकते हैं कि स्टेमिना की लग गई। तो उसके बाद ये कुल मिला के 1.5 किलोमीटर हमारा, कुछ हिस्सा वॉक का था और कुछ हिस्सा वैसे था। तो फाइनली इसे हमें रेगुलरिटी में लाना है, और अगर ये हम लोग रेगुलरिटी में लेके आ गए ना, तो भाई मैंने डिसाइड किया कि 5 दिन अगर ये रेगुलरली हो गया ना, तो मैं अपने आप को एक अच्छी सी स्मार्ट वॉच गिफ्ट करूँगा, क्योंकि वो अब मुझे खुद को ही करनी है। सो अभी देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलो भाई चलो, अब फिलहाल आरू की वॉक का टाइम है, वो भी करवाना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन भाई सीरियसली यार, क्या बुरा हाल में लगी यार, सच में बीच में वैसे जर्क आया, इसकी जो टाइल्स है ना वो गड़बड़ है, तो बीच में जर्क आने लगा, एकदम से जर्क सा आया, तो भाई गड़बड़ हुआ। चले आरू, मम्मा गई है गाय को रोटी डालने, और हम और आरू क्या कर रहे हैं, आरू आप और मैं क्या कर रहे हैं बिट्टू, ए क्या आरू, मम्मा का इंतजार। ओह मम्मा बहुत फुर्ती की है, हाँ मम्मा कतई 2 मिनट में फुर्ती करके आ गई यार, गुड चलो अब घर चलते हैं। तू तो देख के अच्छी चीज बहुत देर थी, तो गाड़ी इसको मैं उससे उतारा ना, तो ये भाई सबसे पहले ढूंढा था ऊपर कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, 3-4 बार इसने देखा तो फिर उसे छोड़ दिया, बोले यार मम्मी गए।
ये क्या खिला दिया, ये तो जन्नत सा लग रहा है, तो ठंडा ठंडा मस्त चॉकलेटी। अरे क्या था बेटा, मजा आया भाई? इन लोगों ने दोनों माई बेटे ने घर पे रहते हुए ना यही एक्सपेरिमेंट करते हो, मुझे लगता है तुम लोग दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो भाई इन्होंने नई तरीका इजाद किया भाई इसने पानी पीने का, वाह क्या तरीका है।